जय हिंद दोस्तों, शहीद जवान चंदन कुमार का पार्थिव शरीर आज 25 दिसंबर को उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर से सेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट लाया जा रहा है, वहां श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद सड़क मार्ग से वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पहुँचेगा। चंदन कुमार के पिता और भाई ने कहा कि बिहार सरकार मदद नहीं कर रही है, ना कोई बयान सरकार की तरफ से जारी किया गया, सरकार की तरफ से कोई हम लोगों से मिलने तक नहीं आया, बिहार सरकार 50 लाख मुआवजा हम लोगों को दे। पिता ने कहा कि हम लोगों को जम्मू कश्मीर बुलाया जा रहा था और कहा गया था कि अंतिम संस्कार यहीं कर दिया जाएगा, लेकिन हम लोग मना कर रहे हैं। पिता ने कहा कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उन्हें मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम अपने दोनों बेटों को देश की रक्षा करने के लिए सेना में भेजेंगे। चंदन को बचपन से ही भारतीय सेना में जाने का मन था, देश सेवा करने का उनका बड़ा मन था। देश की रक्षा करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हो गए। बता दें कि नवादा के वीर लाल चंदन कुमार जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। 26 वर्ष चंदन साल 2017 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वह करीब 2.5 साल से जम्मू में पोस्टेड थे। चंदन गांव से ही शुरुआती पढ़ाई कर सेना में भर्ती हुए। वीर बलिदानी के शहीद होने से पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज वीर बलिदानी का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी चंदन जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। ये खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। ये जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता।